मक्की कसम हलवा बहुत गजब है बनी यार, बहुत गजब का बन रखा मक्की कसम यार ब्रो। प्योर हलवा वो होता है ना अगर जो पूरा इस पे चिपक जाए, अगर इस पे पूरा चिपकेगा तो इसका ये मतलब है कि हमारा हलवा बहुत गजब का बना है। ये उस पे भी डाल दिया। ये देखिए गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 5, तो देख सकते हैं अभी दिव्यांशु भाई आग जला रहे हैं और देख सकते हैं माचिस आली हो चुकी है। ये ले। हाँ जल जाएगी माचिस, जल जाएगी ना, तो देखते हैं दिव्यांशु भाई कब तक आग जला पाते हैं। अबे यार फेंक मत यार, तू आराम से लगा। अभी आग नहीं जली, अभी केवल ये हल्का फुल्का जो मिट्टी तेल है उस पर आग लगी, अभी लकड़ी पे आग नहीं लगी। अभी इसके बाद और मिट्टी तेल डालेगा। नहीं डालूंगा बस। अब देखते हैं, कैसे देख सकते हैं फिर से आग बुझ चुकी है यार, फिर से मिट्टी तेल डाल रहा। अरे तेरे बस की नहीं है, जल्दी जल्दी हो, जल्दी नहीं डाल, कब डाल कब डाल। अभी देख तो अभी देख। ये मुझे होपलेस कर रहा, होपलेस नहीं कर रहा मैं तेरे को। जलेगी भाई पक्का, आग जलेगी, इसलिए बोल रहा था मैं नहीं जलेगी। ओ लाला, तो फाइनली जल चुके यार हल्की फुल्की, तो देखते हैं। भाई मेरी बड़ी बोझ हो रही, आग जला आग जला, सुबह सुबह उठ उठ उठ, सुबह 5 बजे उठा रहा गाइस मुझे। मैं इसको इसलिए उठा रहा क्योंकि नाश्ता मैंने ही बनाना है, शाम का खाना भी मैंने ही बनाना है, क्योंकि पंकु शिफ्ट हो चुका है कहीं और अपने चाचा लोगों के साथ, तो फिलहाल अभी ये और मैं ही है। तो छोटा भाई सुबह उठता है, आग जलाता है, चाय बनाता है, उसका नाश्ता मैं बनाता हूँ, शाम का खाना मैं बनाता हूँ, और ये बर्तन मांजता है, पानी लाता है और चाय बनाता है, इसका काम यही है। लेकिन ये समझता है कि मेरे जितना बड़ा काम और कोई नहीं कर रहा। भाई मैं नहीं समझता ऐसा। नहीं समझता एहसान तो मेरे पे फुल करता आग जलाने का। तब क्या रे, नहीं करता। सुबह तो उठाता ठंडा लगता, इसको पानी लेने के लिए बोलो तो पानी इस पे लाता, इस पे इस पे, वो भी यहाँ पे से थोड़ा सा वो गंदा पानी। तो गाइस आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, आग जलाने से लेकर नाश्ता बनाने से लेकर नाश्ता खाने तक। और ये है दूध, देख सकते हैं इसको हमने मिट्टी के नीचे इसलिए डाला है क्योंकि टेम्परेचर तो पहले ही यहाँ का इतना डाउन है कि दूध का फटना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी मतलब ये मिट्टी इतनी ठंडी है तो ये हमारा दूध आराम से 5-6 दिन तक चला देगी। तो 2 दिन हो चुके हैं और अभी हमें 2-3 दिन तक और चलाना है, तो फिलहाल दूध हमारे पास बहुत है, आधा दूध इसमें है और आधा दूध इसमें डाल दो यार। तो अभी चाय उबल चुकी है, पीते हैं चाय और उसके बाद बनाते हैं हलवा। तो गाइस देख सकते हैं अभी हमारा बन रहा है हलवा, तो अच्छी आग जल रही है, ऊपर से हमारा छोटा सा पतीला तो गर्म हो चुका है पतीला, तो इसमें तेल डाल देंगे। अंकु, ये अंकु, अंकु भी जा चुका है। तो हेलो कर देला भाई, पंकु का भाई। तेल गर्म हो चुका है नी, तेल डाल दिया हमने, गर्म हो रहा, तो तेल गर्म हो चुका है, तेल गरम नहीं हुआ है, मतलब पतीला गरम हो चुका है, तो तेल गरम। तो आग थोड़ा ऊपर ऊपर जला ना, नीचे ही नीचे जल रही आग, देख ना पतीला के ऊपर से और ऊपर। लो, लो 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 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा छोटा सा पतीला, हमारे पास पतीला बड़ा था, वो पंकू भाई का पतीला था, लेकिन वो ले जा चुका है क्योंकि वो उसका चाचा पंकू और उसका भाई, वो तो 3-4 लोग रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए था, तो हमने वो बड़ा बर्तन उनको दे दिया है, उन्होंने हमको ये छोटा वाला बर्तन दिया, तो हम इस पे बनाते हैं, वो उस पे बनाते हैं। तो डाल दे डाल दे। और गाइस ये देख सकते हैं घी, तो थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे यार, बहुत टाइट हो रहा है घी, ठंड से भाई इतना टाइट हो चुका है घी। क्या बना रहा है तू? अरे तू देख तो सही क्या बना रहा है, मां मेरे को भी पता नहीं मैं क्या बना रहा, लेकिन तू खाली देखते जा, अलग ही तरीके का हलवा बन रहा है। पहले तेल के साथ इसको हमने भुना है, उसके बाद घी डाला है और घी के साथ भून रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा करता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यार तेरे को। क्या करे यार, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बस कुछ नया क्या अपना, कुछ नया। बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, अभी धूप भी नहीं लगी है, अभी सुबह की 6 बजे जंगल में काफ़ी दिक्कत हो। अब देख ऐसा भूनूंगा मैं इसको, ऐसा भूनूंगा कि आटा भी बोलेगा क्या भूनने भाई इसने मेरे को। अरे ऊपर कर देना उसे यार, आग ही नहीं जल रही तेरी नीचे। नहीं ना, इसके लिए आग कम ही चाहिए भाई, नहीं तो नीचे जल जाएगा।
घुन निकला कम कम घी गल गया घी गल गया कहाँ जाएगा नहीं गल के गलना पड़ेगा तो पिंजरी बन चुकी है अभी इसको बोलते हैं हमारी भाषा में और इसमें हमारी चीनी तो चीनी में डाल देते हैं मीठा बढ़िया होना चाहिए नहीं तो मतलब पूरा स्वाद खराब हो जाएगा धुआं भी काफी गंदा हो रहा धुआं गंदा ही होता है भाई अच्छा धुआं कहाँ देखा तूने मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा धुआं या चीनी भी जा चुकी है तो गाइस देख सकते हैं आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है और कितना ब्राउन हो चुका है देख सकते हैं तो इस पर हमारा गर्म पानी तो इस पर हमने गर्म पानी करने के लिए रखा है तो डाल दें गर्म पानी झोल की कमी पड़ रही है अरे झोल तो लगा दे दबा के शर्मा मत अपने बुए का पंकु भाई पानी डाल दो थोड़े इसमें मैं इसको भूनता हूँ अभी पंकु भाई भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप पानी डाल के इसको भी टेस्ट कराएंगे हम अपना हलवा बहुत बढ़िया जा रखा पानी अरे बीच में बहुत फंस रखा है कलर देख यार कलर तो क्या गजब का है माँ का सब चीनी भी डाल दी हमने अच्छी तरीके से भून चुका है इसलिए बहुत गजब का कलर आया होगा इतना हल्का फुल्का गिरता है यार मक्की कसम हलवा बहुत गजब है बनी यार बहुत गजब का बन रखा मक्की कसम यार ब्रो प्योर हलवा वो होता है ना अगर जो पूरा इस पे चिपक जाए अगर इस पे पूरा चिपकेगा तो इसका ये मतलब है कि हमारा हलवा बहुत गजब का बना है ये इस पे भी डाल दिया ये देखिए गाइस ए पया तो गुड 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 बहुत अच्छा इसको करेंगे अब साइड हल्ला मत कर तो गाइस अब देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा हलवा बन चुका है तो कटोरी निकाल खाते हैं यही हलवा बनाने का एक्सपीरियंस राजू भाई अभी अच्छा बनाता है थोड़ा अलग तरीके से मैंने आज हलवा बनाया पहले मैंने तेल डाला उसके बाद आटे को भूना फिर घी डाला घी को भूना फिर चीनी डाला चीनी को भूना और तब जा करके देख सकते हैं हमें ऐसा कलर मिला है तो मतलब यार मेहनत तो लगी है यार या 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 ये इधर से आइए देख सकते हैं कल शाम की सब्जी बासी सब्जी तो सब्जी खाएगा तू कोई दिक्कत नहीं खा लेंगे लास्ट में मीठे के बाद क्यों थोड़ा दिखा दे यार दिखा देंगे ना इसमें डालेंगे ना तो परोसेंगे हम हलवा पंकु भाई को चिपक चुका है अरे वो कहाँ गया घी भी हमारे पास उपलब्ध है आमतौर पर जंगलों में हलवा तो बन जाता है लेकिन घी नहीं मिल पाता तो दिव्यांशु भाई की कृपा से हमारे पास घी भी है देख सकते हैं टेस्ट करूं नीचे गिर चुका है चलिए भगवान के लिए यार भगवान भगवान के लिए है इधर सारे देवी देवताओं के लिए अरे यार तू खा के तो देख एक बार यार अरे खा के तो आनंद आ जाएगा लौंडे मजा आ जाएगा उंगली चाटते रह जाओगे अरे यार घी नहीं आ रहा है ढंग से उसे निकाल यार थोड़े से निकाल थोड़े से करछुलों से निकाल ले घी को एक के लिए बहुत है भाई ये देखे राजेश जी का हलवा है भाई हाँ अब मैं किस में खाऊं तो उसी में खा भाई ना मैं उसमें नहीं खाऊंगा इतना ज्यादा क्या पागल है क्या भाई मैं इसमें खा दूं हाँ भाई खा हो गया ना मजा आया बहुत मजा आई थी भाई बहुत मजा आया माँ कसम तो ठीक है अब हम इसी में खाते हैं अरे खाते चलते ले सब्जी खा रहे तो सब्जी खा ले लो सब्जी खाओ वहाँ पे रख ले तो गाइस यार सच में ना मजा आ गया ये तो देखो एक बार कलर तो देखो एक बार फोटो ले ले यार इसकी ले लिए बहुत फोटो इसके लिए
घी के साथ।